दोस्तों आज हम जानते हैं कि किसी भी मैसेज में हम अपनी डिटेल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वो मैसेज सिलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स को एडिट करना है। मैसेज सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको दबा के रखना है। दबा के रखने से क्या है, वो उस मैसेज के ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मैसेज को कॉपी करना है। जो ऑप्शन आपको डिलीट और फॉरवर्ड के बीच में दिखाई दे रहा है वहाँ से मैसेज कॉपी होता है। यहाँ से हमने मैसेज को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम उस मैसेज को पेस्ट कर सकें। मैंने ये नंबर सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट का ऑप्शन आते ही मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर और आईडी नंबर को एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आईडी नंबर और मोबाइल नंबर दोनों एडिट हो गए हैं। अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ मैसेज को। ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरा आईडी नंबर और मोबाइल नंबर दोनों आ चुके हैं। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को। यहाँ से फिर दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब आप इसको अपने फ्रेंड्स को पेस्ट कर सकते हैं या फेसबुक वगैरह पर, जहाँ आपको अच्छा लगे आप इसको वहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद इसको फेसबुक पर प्रमोट करने के लिए मैं फेसबुक लाइट एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। आप भी अपने मोबाइल में फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ये मात्र 1 से 1.5 MB का होता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ फेसबुक लाइट को। फेसबुक लाइट को ओपन करते ही यहाँ पे आपको राइट हैंड में ऊपर की साइड में कुछ 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी सी। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से आपको दिखाई देता है जितने ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे। फिर आपने यहाँ पे ग्रुप्स पे क्लिक करना है। ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद ये सभी ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आपने ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हुए तो ये नीचे सजेस्टेड ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से आप किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक या सभी ग्रुप्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर MLM चैम्प कैश अर्न लाइक चैम्पियन है, ये मेरे पास नहीं है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ प्लस। इस पर जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो जब इसके एडमिन मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर देंगे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक ग्रुप में अपनी ऐड को पोस्ट करता हूँ। प्राइवेट जॉब इन चंडीगढ़ ग्रुप जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे एक पोस्ट का ऑप्शन है और एक यहाँ पे कैमरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं फ़ोटो चूज़ करता हूँ कि मैं किसी भी मोटिवेशनल फ़ोटो के साथ अपनी ऐड को पोस्ट कर सकूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, मैंने प्रेस किया नेक्स्ट। नेक्स्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट समथिंग का ऑप्शन आ जाता है। राइट समथिंग के ऑप्शन पे एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, टच करके एक बार छोड़ देना है। तो दोबारा से उसको लॉन्ग टाइम तक थोड़ा प्रेस करना है, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही पेस्ट का ऑप्शन आता है तो आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे और आपका मैसेज जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने डन लिखा हुआ है तो डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे कि आपका इमेज और मैसेज दोनों आ चुके हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इस मैसेज को पोस्ट कर दीजिए और आपकी जो ऐड है वो इस ग्रुप में चली जाती है।